Hello viewers, welcome to the channel W Blogger, and we are working on a template. अच्छा, लास्ट हमने ये वेरिएशन इसमें ऐड की थी सारी, तो आज हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक इसके नीचे जो इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ना, वो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर. मैं क्या करता हूँ, मैं नई प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट नहीं करता. मैं इतनी जो हमने तीन चार प्रोडक्ट क्रिएट की हुई है लैपटॉप की, मैं इनको सारी जो कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी असाइन कर देता हूँ, ताकि हमें वहाँ पे ये मिल सके. ठीक है, तो मैं ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जाके इनको क्विक एडिट करूँगा, और क्विक एडिट करके मैंने जो है क्या करना है, जितनी भी कैटेगरीज हमने बनाई हैं वो सारी इनको ऐड कर देनी है, ताकि मेरी जो प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो जाए. ठीक है, ये आप क्विक एडिट भी जाएंगे, लेकिन आप अपनी मर्जी से जो है, ज़ाहिर है मतलब जो सैमसंग का लैपटॉप है, तो इसके अंदर यही सैमसंग का एक लैपटॉप नहीं होगा, 10 लैपटॉप होंगे, तो आपको रिलेटेड प्रोडक्ट में वो नज़र आ जाएंगे. ठीक है, तो मैं टाइम सेव करने के लिए कि मैं मज़ीद जो है क्रिएट नहीं करना चाहता प्रोडक्ट्स, तो मैं इन्हीं को ही एक रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कि ये जो सैमसंग का एक लैपटॉप है वो लिनोवो का भी है, एचपी का भी है, डेल का भी है, तो इस वजह से ताकि मुझे रिलेटेड प्रोडक्ट मिल सकें. ठीक है, तो मैं ये सारी कर देता हूँ यहाँ पे. अब मैंने एक सैमसंग को कर दिया, और एक जो है वो मैंने लिनोवो को किया. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके टेम्पलेट के अंदर चलते हैं. सपोज ये आप यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाएगी इम्पेजर के अंदर, और ये कंटेंट टेम्पलेट के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी कंटेंट टेम्पलेट मिल जाएगा. इसको आप एडिट करते हैं, और इसके नीचे जो है आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो कॉल कर लेते हैं. ठीक है, और इसके बाद एक और हमारा छोटा सा काम रहता है, वो हम करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना वेंडर जो है वो क्रिएट करेंगे. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक रो ले ली. ठीक है, मेन एक रो ले ली, और रो के अंदर हम चलते हैं ग्रेड के अंदर, और ग्रेड कॉल करते हैं, और ग्रेड को कहते हैं भाई जो रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो हमें कॉल कर दो, और हमारे जो कॉलम होंगे वो भी हमने बढ़ाने हैं. ठीक है, तो ये हमने चार कर देनी, बस चार ही काफ़ी हैं. उसके बाद आपने ये पोस्ट नहीं करनी, आपने ज़ाहिर प्रोडक्ट करनी है, लेकिन वो भी आइटम्स विद द सेम ये वाली. ठीक है, ये हमने कर देनी है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ अपीयरेंस के अंदर. अपीयरेंस में आपने जो ग्रिड बनाई थी, ग्रिड लेआउट 1, ये यूज़ कर लेनी है, और कॉलम जो है वो चार कर देने हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, अपडेट किया. अब यहाँ पे देखें कि आप यहाँ पे विजिट करते हैं, हमने सैमसंग और लिनोवो की जो प्रोडक्ट हैं वो हमने डाली थी, तो ये हमारे पास लिनोवो की एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं, और देखते हैं कि ये हमें वो रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाता है या नहीं दिखा रहा. तो मैंने अपडेट कर दिया था इसको ना, सारी कैटेगरीज. ठीक है, अन कैटेगरीज जो है मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कैटेगरीज था, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज कर देना है. ठीक है, तो अब सेव चेंजेस करते हैं, मैंने वो चेंज नहीं किया था. ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे सारी की सारी शो हो रही हैं. ठीक है, एक हमारी ये थी प्रोडक्ट लेना भी, और उससे जो रिलेटेड है वो ये सारी प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रही हैं. ठीक है, तो इस तरह से भी आप शो करवा सकते हैं. अदरवाइज़ हमने जो हमारी जो ग्रेड थी वो हमने कोई और, मतलब मेन जो आप पेज पे जाते हैं तो मेन पेज पे आपके पास ग्रेड कोई और है. ठीक है, ये वाली, तो आप ये भी कॉल कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, वो मैंने ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ है कि आप वहाँ से कैसे कॉल कर सकते हैं. अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ से भी थोड़ा सा बता देता हूँ. सॉरी, यहाँ पर आप जाएंगे और आप ख़ुद भी एक कस्टम ग्रेड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उससे भी वो आपका काम हो जाएगा. अदरवाइज आप प्रेस पे जाएं, और ये ग्रेड लेआउट 1 हमें कॉल की हुई थी. आप जाते हैं शॉप्स के अंदर, और ये मॉडर्न शॉप जो है ये आप सिलेक्ट कर लें और अपडेट कर देते हैं, तो आपका ये भी काम हो जाता है. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने
कैटेगरीज के अंदर, कैटेगरीज हमें पेरेंट की चाहिए, वो इसलिए कि हमें पेरेंट चाइल्ड बनानी पड़ेगी कि हमें जो है सपोज सिर्फ लैपटॉप ही नहीं है, हमारे पास जो है वो मोबाइल भी आएगा। ये देखें ये बेहतर हो गया, हमारे पास मोबाइल भी आएगा। तो मोबाइल और लैपटॉप की पेरेंट कैटेगरीज हम बना लेते हैं, ठीक है। आप जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर और यहाँ पे जाते हैं कैटेगरीज के अंदर, और कैटेगरीज में हमारी जो पेरेंट बनेगी वो बनेगी लैपटॉप और मोबाइल, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप मोबाइल कर लेते हैं, ठीक है, या फर्स्ट जो है वो लैपटॉप कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है पेरेंट कैटेगरीज की क्या है, तो हमें ये सारी कैटेगरीज एडिट करके इसको पेरेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लैपटॉप और मोबाइल्स की कैटेगरीज को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि बाद में हम मोबाइल भी ऐड करेंगे। तो मोबाइल आपके पास जो है वो होगा सैमसंग, नोकिया, आपके पास हुआवे, ओप्पो, जितनी भी हमारे पास कंपनीज हैं वो सारी, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लैपटॉप मैंने बना लिया और डेल को मैं क्विक एडिट करता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें यहाँ पे इसको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करके आपने इस कैटेगरी की जो पेरेंट होगा वो आपने लैपटॉप कर देना है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे भी प्रोडक्ट के अंदर भी आप नज़र आ जाएगा, यहाँ पे जो हमने दिया हुआ था यहाँ पे भी आपको लैपटॉप जो है वो मिलेगा, ठीक है। डेल पे चले गए और इसकी पेरेंट कैटेगरी जो है वो लैपटॉप अपनी कर देनी है यहाँ पे, ठीक है, इसको अपडेट कर देना है। अच्छा, ये इस तरह से मतलब ये सारी की सारी आपने पेरेंट बना देना है इसको। तो ये डेल भी मैंने कर ली, एडिट करते हैं एचपी को, लिनोवो को और सैमसंग को, ठीक है, इन सब को जो है पेरेंट कैटेगरी हम दे देते हैं। तो यहाँ पे भी इसको हम दे देते हैं पेरेंट कैटेगरी, आपकी जी लैपटॉप है, अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे आप इसकी इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं अगर आपको कहीं पे शो करानी है कैटेगरीज, तो मतलब उनके नाम शो कराने हैं। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप कर दिया और इसको भी मैं यहाँ पे लैपटॉप कर देता हूँ। ये भी अपडेट होगी और ये लास्ट हमारे पास डेल की, ये भी ऑलरेडी अपडेटेड है। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है हमारे साथ। ये देखें हमारे पास होम का पेज आ गया, उसके बाद हमारे पास लैपटॉप, इसने पेरेंट कैटेगरी दे दी और सैमसंग। अगर आप लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितने भी कंपनीज के लैपटॉप होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखें अभी बस एचपी का है, लिनोवो का है, डेल का है, सैमसंग का है, ठीक है, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा, तो अब मेन हम पेज पे चलते हैं होम पे। तो इसी तरह से अगर आप एक पेरेंट कैटेगरी करेंगे, ये देखिए ये भी हमारे पास यहाँ पे भी लैपटॉप शो करा रहा है। तो अब ये देखें हमारे पास लैपटॉप की जो कैटेगरी है उसके अंदर आपकी चार प्रोडक्ट हैं लैपटॉप के अंदर, ठीक है, और मोबाइल में हमारे पास अभी कोई भी हमने क्रिएट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली पेरेंट कैटेगरी है और ये हमारी जो है ये चाइल्ड कैटेगरी है। वो यूज़र आता है लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप के अंदर जाएगा और उसके अंदर उसको चाहिए कैटेगरी सैमसंग की चाहिए या जो भी उसको चाहिए, लिनोवो की चाहिए, तो वो इस पर क्लिक करेगा और इस कैटेगरी में वो चला जाएगा, ठीक है। अभी सिलेक्ट ऑप्शन दिखा रहा है इसलिए कि हम इसकी कैटेगरी में हैं। अच्छा, हम इसके अंदर जो मज़ीद प्रोडक्ट डालेंगे तो वो हमें मज़ीद भी शो करा देगा, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे सीखा है, यहाँ पे अपने टेम्पलेट हमारा कंप्लीट किया, हमने यहाँ पे नीचे इसके रिलेटेड प्रोडक्ट भी शो कराई हैं और इसकी चाइल्ड पेरेंट कैटेगरी भी हमने काम किया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने वेंडर क्रिएट करना है। यहाँ पे जो यूज़र है वो साइन अप होगा और अपना वेंडर का अकाउंट बनाएगा और अपने वेंडर के अकाउंट को मैनेज करेगा, ठीक है। कैसे मैनेज करना है, कैसे क्रिएट करना है, ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी तक के लिए हमारी ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब आगे जो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी, अगर टेम्पलेट की भी होगी तो हम वो भी ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें।